तो हे गाइस वेलकम बैक गुड इवनिंग सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है तो जुड़ जाइए क्लास का समय हो गया है जैसा कि सभी को पता है कि ये जो समय है इस टाइम आपको डेली क्लास करवाते हैं किस चीज़ का तो साइंस का अभी हम लोग विज्ञान का क्लास करेंगे लेकिन उससे पहले बता दें इस क्लास के बाद आपकी अगली क्लास है ठीक रात में नौ बजे अनकेडमी पर तैयार रहिएगा नौ बजे अभी जीके के मिक्स क्वेश्चन का क्लास है आपका ठीक है तो सभी लोग आ जाना साथियों अनकेडमी पर क्लास है जैसा कि सभी साथियों को पता है तो सभी लोग तैयार रहिएगा ठीक नौ बजे अनकेडमी पर क्लास लगेगी आपकी ठीक है तो और क्लास को शुरू करेंगे इस क्लास को उससे पहले बता दें कि इस क्लास के बाद ये तो अभी नौ बजे अभी क्लास होगी और कल सवेरे जो दस बजे क्लास होगा मॉर्निंग में सवेरे दस बजे उस क्लास का भी लिंक अनकेडमी पर कल सवेरे जो दस बजे क्लास होगी डेली सवेरे दस बजे अनएकेडमी पर करेंट अफेयर्स का क्लास होता है उस क्लास का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी जो नौ बजे क्लास होगी उस वीडियो का उस क्लास का लिंक आपको पिन भी कर दिए हैं कमेंट बॉक्स में नए साथियों को कैसे करके मेरी क्लास मिलेगी अनएकेडमी की देख लीजिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है तो प्ले स्टोर से अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है देन सेकेंड स्टेप में जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाएगा लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा तो मोबाइल नंबर डालने के साथ साथ आपको अपना नाम भी डालना है और अपना ईमेल आईडी भी नाम और ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ओटीपी वाला सेक्शन खुलेगा ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आपके स्क्रीन पर यह वाला ऑप्शन खुलेगा सेलेक्ट योर गोल तो यहाँ पर आपको एस एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है लेकिन ये आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं देखो मेरी क्लासेस ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए तो हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ आपको एसएससी ही सेलेक्ट करना है लेकिन ये आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं सबसे पहले यू पी एस सी आई आई टी नीट ये सब दिखेगा पहला पेज में पेज को जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना आपको देखना दिखेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम नीचे गवर्नमेंट एग्ज़ाम इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे क्लिक करिएगा तो वहाँ आपको बैंक रेलवे एस एस सी दिखेगा लेकिन आपको एस एस सी एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करना है एस एस सी एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल उसके बाद आपके स्क्रीन पर एस एस एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा कब तक आपको जॉब चाहिए तो 2022 फिल कर देना और भी कुछ पूछे तो स्किप करते चलना देखना जैसे ही इंटरफेस खुलेगा कई सारे एजुकेटर्स की क्लास आपको चलेगी कई सारे टीचर्स की लेकिन इन क्लासों पर क्लिक आपको नहीं करना है क्योंकि आपको मुझे पहले ढूंढना है तो आपके फ़ोन में देखना है एप्लीकेशन में जो सर्च वाला ऑप्शन होगा ना ऐसे राइट कॉर्नर में वहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा और ये जो खाली जगह है यहाँ पर मेरा नाम टाइप करके आप लोग मुझे सर्च कर लेना सुभाष एस यू बी एच ए एस एच डी ए एस सुभाष दास जैसे ही मेरा नाम सर्च करोगे यहाँ पर मेरे नाम के साथ आपको फोटो दिखाई देगा फोटो पे क्लिक करिएगा तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पे पहुँच जाइएगा यहाँ पर जो फॉलो वाला ऑप्शन होता है यहाँ से क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना बस ठीक है उसके बाद मेरी क्लासेस अपकमिंग क्लासेस लाइव क्लासेस आपको मेरे प्रोफाइल में दिखेगी ठीक है तो क्लास पे क्लिक करोगे तो कोड मांगेगा ध्यान से देखिए कोड क्या है तो एक्स एम ए आर टी इसी कोड को एनरोल करना है ठीक है इस कोड को डालते ही आपका पूरा एप्लीकेशन फ्री हो जाएगा उसके बाद आप मेरा क्या किसी का भी क्लास बिल्कुल फ्री में कर पाइएगा और एक चीज़ अगर यहाँ पर क्लास आपको समझ में ना आए तो जैसे ही प्रोफाइल फॉलो कर लिए के ऐप से बाहर आ जाना और यूट्यूब वाली इस वीडियो को ओपन करना देखो लाइव चैट में आप जहाँ मैसेज कर रहे हो कमेंट लाइव चैट में जो लिंक दिख रही है ना क्लास का नौ बजे उस लिंक को क्लिक करके क्लास पर आ जाना बस कोड डाले तो एक्समार्ट डाल देना ठीक है एक्समार्ट ही डालना है एक्स एम ए आर टी एक्समार्ट चलिए क्लास को शुरू करते हैं देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से हम लोग क्लास में डायरेक्टली तो ये रही पहली क्वेश्चन जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सभी साथी ध्यान दीजिए ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाफट भड़ से क्लास को लाइक like शेयर करते चलिए आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जोड़ते चलिए सभी को है ना देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है तो भाई देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है तो नाइट्रोजन स्थरीकारी जीवाणु ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है देखो एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है तो एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आगे देखिए निम्न में से किसको गुब्बारों को देखो निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है तो, तो भाई किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई किसको गुब्बारों में भरने के किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है तो हीलियम गैस को भरा जाता है गुब्बारों में है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया देख लीजिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है तो निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है यानी इनमें से कौन मिट्टी को सुधारता है देखिएगा लाइक शेयर करते चलिएगा निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है तो जिप्सम करेक्ट आंसर आएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्सियम सल्फेट विथ टू एच टू ओ याद रखिएगा ठीक है आगे जब सेना पुल को पार करता है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है क्यों देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच राइट आंसर क्या है जब सेना पुल को पार करता है पैदल ठीक है तो उन्हें कदम से कदम मिलाकर चलने का आदेश नहीं दिया जाता है क्यों राखी भारती प्रीति कुमारी नंदनी दिनेश अमरकांत जी मिस्टर विशाल हेकर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुदान के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है बी महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं तो डिप्टेरिन दिप, लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा सभी लोग देखिए तो डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं तो पोलिटीन क्रोमोज़ोम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा पोलिटीन क्रोमोज़ोम यहाँ करेक्ट है याद रखिए पोलिटीन क्रोमोज़ोम करेक्ट आएगा आगे देखिएगा तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है कोई भी तैराक को समुद्र की आ, समुद्री पानी में नदी के मुकाबले तैरना आसान क्यों लगता है देखिए तो भाई तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है देखिएगा राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो समुद्री पानी का जो घनत्व है साधारण पानी से ज़्यादा होता है याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया चलो आगे देखते हैं भारहीनता होती है कब भारहीनता कब होती है एट नंबर क्वेश्चन देखिए भारहीनता कब होती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए भारहीनता कब होती है तो याद रखिए सभी साथी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में ना तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा देख लो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में वेरी नाइस ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आ गया आगे भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डियन वलगुल निम्नलिखित में से क्या है लाइक like कर दीजिए क्लास को एक बार सभी साथी कोई भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है साथियों सभी का लाइक होना चाहिए क्लास में तो आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ठीक है अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा राइट आंसर फोर दिस क्वेश्चन क्या जाएगा बताइए भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में ओडियन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है तो चमगादड़ बता रहे हैं ना तो चमगादड़ करेक्ट आ गया देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है चमगादड़ वेरी नाइस जिन्हें भी नहीं पता था सभी लोग याद रखिएगा चमगादड़ यहाँ करेक्ट हो गया ठीक है तो चमगादड़ राइट आंसर है साथियों वेरी नाइस चलिए आगे देखिए क्वेश्चन परिजनी फसल स्वर्ण चावल किस बांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है तो बताइएगा परिजनी फसल यानी स्वर्ण चावल जो है किस बांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है देखिए अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए तो परिजनी फसल जो है स्वर्ण चावल ये किस बांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है तब सभी साथी देखिएगा यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है तो याद रखिए विटामिन ए के लिए तो विटामिन ए करेक्ट हो गया आगे देखिए मनुष्य में रुधिर कहाँ छनता है तो मनुष्य में रुधिर कहाँ छनता है देखो इस क्वेश्चन का अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो मनुष्य में रुधिर कहां क्षमता है भाई करेक्ट आंसर क्या है बताइए मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है तो याद रखिएगा सभी साथी बोमेन संपुट में बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया बोमेन संपुट यहाँ याद रखिएगा बोमेन संपुट यहाँ राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन अवसरव तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है तो अवसरव तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है बताइएगा देखो अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो साथियों बताइए तो अव तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं साथियों जिनकी आवृत्ति होती है बीस हर्ज से कम है ना बीस हर्ज से कम होती है जिनकी आवृत्ति याद रखिएगा बीस हर्ज से कम ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे देखो क्वेश्चन क्या है तो वायुमंडल की किस परत में नब्बे प्रतिशत ओजोन पाई जाती है ठीक है वायुमंडल की किस परत में नब्बे प्रतिशत ओजोन पाई जाती है अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन का अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोग देखिए तो समताप मंडल बता रहे हैं ना तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा देखिए समताप मंडल नेक्स्ट क्वेश्चन आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित है एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग जरूर ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए ठीक है क्योंकि वह कठोर जल में भी कार्य करते हैं याद रखिएगा अपमार्जक कठोर जल में भी कार्य करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है तो भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है देखिएगा भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है फटाफट से देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है एसएलवी3 ठीक है देखिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थ्री देखो एस एल वी एस एल वी थ्री भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जिसमें उन्नीस सौ उन्यासी में पैंतीस किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था जो असफल रहा था इसके बाद इसको उन्नीस सौ अस्सी में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया जो सफल रहा वैक्यूम में उष्मा विकिरण की गति क्या होती है वैक्यूम में उषमा विकिरण की गति क्या होती है बताइए तो वैक्यूम में उषमा विकिरण की गति क्या होती है तो आप बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए तो बताइए में भी की गति क्या होती है काफी अच्छा क्वेश्चन है, है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग देख लीजिए वैक्यूम यानी निर्वात निर्वात में उषमा विकिरण की गति क्या होती है तो याद रखिएगा प्रकाश के बराबर ऑप्शन नंबर ए थ्री इंटू टेन का पावर एट मीटर पर सेकंड आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है तो निम्न में से सभी लोग देखिएगा तो निम्न, निम्न, में, निम्न, निम्न में से कौन सा कोयला है जो प्रति प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करता है अब सभी लोग देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है साथियों बताइए फटाफट से सभी साथियों का करेक्ट आंसर यहाँ होना चाहिए देख लीजिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा एंथ्रेसाइट एंथ्रेसाइट बता रहे हैं ना तो करेक्ट आंसर है देख लीजिए एंथ्रेसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी गुड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कंग्लोवेट रथियंग होता है किसमें तो भाई देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या है लाइक like शेयर की कमी मत होने दीजिए देखो कितना कम लाइक्स like है क्लास में लाइक like कर दीजिए यार सभी क्लास को लाइक like शेयर कर दीजिए तो यहाँ नॉर कॉकरोच करेक्ट आएगा नॉर कॉकरोच में नॉर कॉकरोच राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है तो देखिए इनमें से कौन भार की इकाई नहीं है क्या आंसर हो जाएगा अभी बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है तो पोंड किलोग्राम ग्राम ये तीनों भार की इकाई है लेकिन डाइन बल की इकाई है डाइन बल की सी इकाई है है ना तो यहाँ डाइन करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर डी आगे देखो क्वेश्चन वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं तो भाई वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं बताइए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्लास को लाइक जरूर करिए बहुत सारे साथियों ने आधे साथियों ने क्लास लाइक नहीं किया है या लाइक शेयर तो करिए आप लोग कम से कम क्लास को वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं तो भाई याद रखिएगा देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया यहाँ प्रति चुंबकीय पदार्थ राइट आंसर है आगे माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है तो माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब याद रखना तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है तो साथियों देखिएगा तंतु प्रकाश या तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है आंसर कर दीजिए सभी साथी एक बार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए देखिएगा तो भाई तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है देखिए राइट आंसर आएगा प्रकाश तरंग के रूप में वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट है देख लीजिए प्रकाश तरंग के रूप में वेरी नाइस nice. तो जिन्हें भी नहीं पता था सभी लोग याद रखिए प्रकाश तरंग के रूप में करेक्ट आंसर है साथियों वेरी नाइस प्रकाश तरंग यहाँ राइट आंसर आ जाएगा जरूर याद रखिएगा प्रकाश तरंग के रूप में आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो भाई सभी साथी ध्यान दीजिएगा अगली क्वेश्चन क्या है ये रही आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें बताइएगा किसमें आनुवानशिकी उत्परिवर्तन होता है आप लोग सभी साथी फटाफट से देखिएगा आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से सभी लोग देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम में गुणसूत्र में तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र आगे देखिए पोजिट्रॉन क्या है पोजिट्रॉन क्या होता है चौबीस नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखिए पोजिट्रॉन क्या है देखिएगा पोजिट्रॉन क्या होता है चौबीस नंबर क्वेश्चन तो पोजिट्रॉन साथियों धन आवेशित इलेक्ट्रॉन ही तो है ना ये इलेक्ट्रॉन ही है बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है इसमें पॉजिटिव आवेश होता है तो धन आवेशित इलेक्ट्रॉन आगे देखो क्वेश्चन वह कौन सा रोग है जिसकी बाहक तो स्त्रियाँ होती है लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होता है अब देखिए करेक्ट आंसर अभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो बताइए तो भाई देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर याद रखिएगा वार्णाधाता कलर ब्लाइंडनेस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है निम्न में से किस रोग के बारे में यह माना जाता है कि उसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी तो भाई देखिएगा साथियों राइट आंसर अभी क्या है अब इस क्वेश्चन के लिए तो बता दीजिए सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोगों को ध्यान देनी है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों राइट आंसर आएगा हीमोफिलिया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया हिमोफिलिया देखो क्लीने फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है क्लीने फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है तो देखिएगा सभी साथियों का राइट right आंसर आना चाहिए क्लीने फिल्ड्रोन क्लीने फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है सभी ने लाइक नहीं किया है ना क्लास को यार लाइक तो करिए यार कम से कम क्लास आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना क्लास लाइक शेयर करिए पहली बार जितने सभी देखो पुरुष में स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं पुरुषों के ब्रिशन जो है अल्प विकसित रह जाते हैं और पुरुष नपुंसक हो जाता है तो उपरोक्त सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है जो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंग होती है जिसके कारण हम दूर से रिमोट दबाते हैं तो टीवी पे चैनल बदलता है वॉल्यूम बढ़ता है और सारा सब कुछ कम रिमोट से ही हम करते हैं ना तो बताइए वो रिमोट में कौन सी तरंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो इन्फ्रारेड तरंग साथियों जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरण जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरणें ठीक है इन्फ्रा रेड तरंगे आगे देखिए कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है बताइए कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बताइए देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों तो याद रखिएगा का, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आगे देखो यदि हम कहें कि बच्चे का आई क्यू लेवल हंड्रेड परसेंट है तो इसका अर्थ क्या है बताइए यदि हम कहें बच्चे का आई क्यू लेवल हंड्रेड परसेंट है तो इसका अर्थ क्या होगा बताइएगा अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आशा रानी संजीव दिनेश पंकज सागर जी अजीत कुमार जी तो इसका उत्तर यही होगा कि बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है तो बताइएगा कौन सा बैक्टीरिया है जो दही के गठन के लिए जिम्मेदार है सभी साथी कोशिश करिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है तो लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस यहाँ राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी लेक्टोबेसिलस एसिडोफिलस करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो तो कौन सी गैस है एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो बताइए अब राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो तो रेडॉन करेक्ट आएगा रेडॉन या गैस गैसाथी हो जो बायुमंडल में नहीं पाई जाती है ठीक है रेड ऑन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो देखिए लेकिन लाइक आप लोगों ने नहीं किया सभी ने निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉर्गेट के सिद्धांत पर काम करती है तो देखिएगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है तो भाई बताइएगा थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कौन सी मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है अब राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो सभी साथी देख लीजिए नाग है ना नाग करेक्ट आंसर आएगा साथियों नाग याद रखिए नाग सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ गया आगे देखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर सभी साथी देखिएगा अच्छा प्रीति जी लाइक कर दिया ना धन्यवाद जिन्होंने लाइक कर दिया आप सभी साथियों को धन्यवाद देखो राइट आंसर क्या है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है श्री हरिकोटा में श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर आएगा आगे कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है और खोपड़ी से निकलती है तो भाई कौन सी तंत्रिका है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है बताइएगा तो देखिए राइट आंसर आ जाएगा क्रेनियल नशे ठीक है क्रेनियल नब्स क्रेनियल नशे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है याद रखिए क्रेनियल नशे आगे उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है देखिए थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है प्रीति पंकज संजीवन राजू दिनेश चेतन शर्मा जी ऋषि पाल उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है तो देखिए राइट आंसर एंडोक्राइन सिस्टम नहीं आएगा तंत्रिका तंत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ठीक है बिल्कुल तंत्रिका तंत्र जितने साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र करेक्ट होगा साथियों यहाँ ठीक है बिल्कुल साथियों तंत्रिका तंत्र करेक्ट आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है देख लीजिए आगे देखिएगा क्वेश्चन बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है बेबी फूड्स यानी बच्चों को खाने का जो सामान होता है उनको बनाने में इनमें से कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है राइट आंसर क्या है देख लीजिए तो बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है तो जरूर याद रखिएगा ट्रिप्सिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया यहाँ ट्रिप्सिन याद रखिए सभी देख लीजिए ट्रिप्सिन आगे एंजाइम शब्द की गणना किसने की एंजाइम शब्द की गणना किसने की है देखिएगा तो एंजाइम शब्द की गणना किसने की है साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है तो याद रखिएगा बिलिहम कोहने बिलहम कोहने करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण सात पीएच का मान देता है जलीय होने पर तो इनमें से कौन सा लवण है सात पीएच का मान देता है जब वह जलीय होता है देखिए थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मनीष वर्मा संजीवन चौहान रिंकू पंकज नेहा कुमारी तो याद रखिए करेक्ट है पोटेशियम क्लोराइड तो पोटेशियम क्लोराइड राइट है ऑप्शन नंबर सी आगे देखो क्वेश्चन क्या है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है तो भाई बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर चालीस तो बताइए तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है तो लैक्सन करेक्ट आएगा है लेक्सन ऑप्शन नंबर सी आगे दोहराए जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमरों का निर्माण होता है उनका नाम क्या है दोहराए जाने वाले इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमरों का निर्माण होता है नाम क्या है साथियों उनका बताइएगा फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए तो देखिए सभी साथी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी इस क्वेश्चन के लिए तो जरूर याद रखिएगा देखो मोनोमोर्स बता रहे हैं ना मोनोमोर्स करेक्ट आएगा मोनोमोर्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती है या अधिक भेदने वाली शक्ति रखती है बताइए इनमें से कौन सी किरण है जिसकी वेदन क्षमता या वेदने वाली सम, देखो वेदने वाली जो शक्ति होती है सबसे अधिक होती है चलिए कुछ ही क्वेश्चन है आठ क्वेश्चन और बचा है टोटल फिफ्टी क्वेश्चन है तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो भाई गामा रेज करेक्ट आएगा गामा किरण है ऑप्शन नंबर सी किन किरणों में मेसोन पाए जाते हैं तो देखिएगा साथियों किन किरणों में मैसोन पाए जाते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेजर रेज बता रहे हैं तो लेजर रेज में याद रखिएगा लेजर रेज चेतन शर्मा जी बिल्कुल आगे देखिए थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर काम करता है तो भाई देखिएगा थर्मोन्यूक्लियर बम जो है साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आंसर करिएगा सभी साथी कम से कम सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट विकास सिंह जी देखिए थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा देखिएगा तो विखंडन और फ्यूजन ठीक है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ठीक है आगे देखिए नहीं यार थर्मोन्यूक्लियर बम तो नाभिकीय विखंडन पर केवल कार्य करता है ना बिल्कुल केवल नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन करेक्ट आएगा ओनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ सुधार लीजिएगा साथियों बाय मिस्टेक आपको सी बता दिए थे नाभिकीय के विखंडन केवल आएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ प्रीति जी सोचने वाली बात नहीं है बाय मिस्टेक आपको सी बता दिए वहाँ संलयन तो होता ही नहीं है ना नाभिकीय संलयन नहीं होता है नाभिकीय विखंडन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बिल्कुल चलिए आगे पौधों की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के उत्तकों के आसपास हो जाते हैं देखिए पैंतालीस नंबर क्वेश्चन तो पौधे की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधों के उत्तकों के आसपास हो जाते हैं याद रखिए ग्रे मोल्ड करेक्ट आएगा यहाँ देख लीजिए ग्रे मोल्ड ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया आगे देखिएगा तो पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां शाखाए फल सभी प्रभावित होते हैं तब पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां शाखाएं फल सभी प्रभावित होते हैं देखिएगा करेक्ट आंसर अभी क्या हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के लिए लाइक कर दीजिए एक बार क्लास खत्म होने वाली है यार देखो तीन चार क्वेश्चन बची है क्लास में तो सभी लोग कर दीजिए जितने भी लोग हैं क्लास में एक तो कितने कम लोग हैं क्लास में तो कम से कम जितने लोग हैं सभी तो लाइक करिए क्लास को देखिए साइट्रस कैंकर और ये साइट्रस कैंकर रोग किसको होता है तो नींबू को नींबू याद रखिएगा ठीक है नींबू को होने वाला नींबू को होता है साथियों ये साइट्रस कैंकर नामक बीमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो साथियों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है देखिए राइट आंसर क्या है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो हॉल देखो हॉलडेन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हॉलडन याद रखना और एक चीज देखिएगा थायराइड ग्लैंड और एक क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करता है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर देखिए प्रज्ञा कुमारी जी काफी लेट हो गई तो थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइएगा थायराइड ग्लैंड जो है किन दो मुख्य हार्मोन का श्राव करता है अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो बताइएगा सभी साथ ही देख लीजिए थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का श्राव करता है तो याद रखिएगा टी थ्री और टी एच ऑप्शन नंबर डी एक और भी दोनों सिंपल सा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है चलिए पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है देख लीजिए लाइक सभी लोग कर दीजिए क्लास खत्म होने वाली है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा फिर आपकी अगली क्लास अभी नौ बजे अनएकेडमी पर है सभी लोग तैयार रहिएगा ठीक है थीके? नौ बजे अनएकेडमी पर क्लास है साथियों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखो पिन कर दिए हैं रात नौ बजे फिर ये स्पेशल क्लास लिखा हुआ है ना उस लिंक को क्लिक करके क्लास पर आ जाना और जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है कैसे करके मेरी क्लास करनी है अन की मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से इस वीडियो की स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप बता दिया है वैसा वैसा करके क्लास पे आ जाना ठीक है इस वीडियो ये क्लास अभी जैसे ख़त्म होगी स्टार्ट करके देख लेना जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है कैसे करके जुड़ना है वो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है तो फ्लोएम करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम जाइलम से जल का परिवहन फ्लोएम से भोजन का अंतिम क्वेश्चन ये रहा रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेब या लहरों जैसा विस्तार होता है इस अवस्था को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा पल्स कहते हैं पल्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है निधि जी बिल्कुल राइट देखो पल्स करेक्ट आ गया साथियों पल्स तो चलिए अनएकेडमी पर आ जाइए नौ बजे और एक चीज़ बता दें साथियों जितने लोग अनकेडमी पर हमसे जुड़े हैं उनके लिए तो साथियों देखिए आप लोग हेट शायद नहीं देना जानते हैं तो आप लोग जो है वहाँ पर मेरे प्रोफाइल में कुछ हेट लिख सकते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को देख लीजिए जैसे कि ये जो आपका अनकेडमी का ऐप है ना मैं दिखा देता हूँ देखिएगा एक बार देख लीजिए आप लोग जैसे कि ये अनएकेडमी का ऐप आपने ओपन किया और अनएकेडमी का ऐप ओपन करने के बाद आपको करना क्या है देखिए मैं बता देता हूँ एक बार देख लीजिए है ना हैट कैसे देते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो मी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना साथियों मी वाला ऑप्शन देखिएगा मी वाला मतलब कि वहाँ पर कुछ आप लोग मेरे बारे में लिख सकते हैं अच्छा बुरा जो भी आपको लगता हो ठीक है देखिएगा ये जो मी वाला ऑप्शन है यहाँ पे यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना आपको मी वाला ऑप्शन यहाँ पर यहाँ पर आना है क्लिक करना है मी पर देखा कि नहीं आप लोगों ने मैं एक बार दिखा देता हूँ ये जो मी वाला ऑप्शन है ना देख रहे हो ना मी वाला ऑप्शन यहाँ नीचे में इस मी वाले मी वाले ऑप्शन पे आपको एक क्लिक करना है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर मी वाले पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा और पेज को ऐसे स्क्रॉल करोगे ना ऊपर की तरफ तो ये हेड्स आपको दिखेंगे ठीक है ये वाले हेड्स देखो अचीवमेंट्स में ये सारे हेड्स आपको दिखेंगे ठीक है ऐसे तो जो आपको अनलॉक होगा जैसे कि इधर है ये सब लॉक है ये अनलॉक है आपका जो भी अनलॉक होगा उस पर क्लिक करिएगा ऐसे और शेयर डेडिकेटेड टू यहाँ पर आएगा किसको आप लोग हेड देना चाहते हैं तो मेरा 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 प्रोफाइल सेलेक्ट करिएगा मेरा नाम जहाँ पर आपको दिखेगा ठीक है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मेरा नाम आपको जहाँ पर दिखेगा ना मेरा वाला प्रोफाइल अन एकेडमी का उसको सेलेक्ट करके ऐसे शेयर करिएगा ठीक है ऐसे शेयर करिएगा शेयर नहीं करना है माफ़ी चाहते हैं देखो उस पर क्लिक करके आपको कुछ लिखना है वहाँ पर यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा चुका है इसीलिए आ नहीं रहा है ठीक है यहाँ पर हेड पे क्लिक करोगे ना साथियों तो आपको जो है वहाँ वहाँ से आप लोग कुछ मेरे बारे में लिख सकते हैं तो जरूर वहाँ पर लिखिएगा ठीक है अभी आप लोग वो वो चीज़ कर लीजिए कुछ भी हेड मेरे बारे में लिख सकते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर यहाँ पर हो नहीं रहा है क्योंकि पता नहीं ये डेडिकेटेड हो चुका है शायद इसलिए ठीक है समझ गए ना यहाँ मी पर आकर देखिए ऐसे ऊपर करिएगा तो यहाँ हेट दिखेगा इसका मतलब आप लोग इस पर क्लिक करके कुछ मेरे बारे में लिख सकते हैं अच्छा चीज़ या फिर जो भी हो ठीक है तो लिखिएगा जरूर चलिए मिलते हैं साथियों अकेडमी पर तब तक के लिए टेक केयर लव यू टू ऑल जैन सभी को वंदे मार